इतना बड़ा प्रोग्राम रखना ये वाकई सकीना की बहादुरी का सबूत है। और मैं बार बार कहता हूं और कहते हुए छता नहीं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में सकीना जैसे 10-15 और लीडर हो तो इस जमात को आने वाले 7 साल तक कोई नहीं करेगा। ये 27वीं बरसी है शहीद परिवार के टू साहब की, यहां तो हमें 27 दिन याद नहीं रहते, 27 साल। इसमें दोनों बात का एहसास रहा है कि मेरे पीछे मेरे वाले साहब खड़े हैं मुझे सहारा देने के लिए, मुझे सिखाने के लिए। अगर उसके मेरे गलती हो तो मुझे उस गलती का एहसास दिलाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं अपनी जगह सोचता हूं कि जितना ज्यादा मेरे लिए आसान रहा है क्योंकि वाले साहब का सहारा रहा, कितना मुश्किल होगा सकीना के लिए। निकल गए वही साहब के पीछे नहीं पड़े, ब्रीज दे दिया अटैची के अटैची लेके, क्योंकि यशु साहब उस पर स्पीकर थे, उस पर इनका इशारा ही काफी था। अगर यशु साहब ने उस पर कहा होता कि हाथी फारूक साहब के साथ जो हुआ वो आईन के मुताबिक हुआ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पिछले साल इसी दिन हम सब खराब है, मैं किसी सरकारी गेस्ट हाउस का अकेले बंद, सकीना अपनी जगह बंद, सागर साहब और मजीद शायद एमएलए हॉस्पिटल में, मुस्तफा साहब अपनी जगह, हमारे यहां साथी किसी थाने में किसी और मौके में, और उसका मकसद यह था कि हमें हवा से दूर रखा जाए और हमारी गैर हाजिरी में कोशिश की जाए कि ये जमात टूटे। जब तक कि हमारे वर्करों ने साबित किया कि हमारे वर्कर दाएं बाएं जाने वाले नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत इन लोगों के गले से उतरती नहीं है। क्योंकि हम दोषा झूठ इन चीजों के सहारे से अपने आप को लोगों के दरमियान जिंदा नहीं रखते। बड़ी बात जब तू साहब अकेले नहीं थे शहादत देने, हम हमारे गांव के नशे कदम में नया जमीन आदान करना चाहते थे, हम चाहते थे और आज भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आवाम के साथ इतिहास के दौर में जो वादे किए गए और जिन वादों को एक अमली जामा आईनी तौर पर बनाया गया उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए, यही हमारी बात। लेकिन बदकिस्मती से हमारी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं, हम जब बढ़ते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसका हाल भी हम बातचीत के जरिए हासिल करने की बात करते हैं, अक्सर बेहतर हमें बनाए दिए जाते हैं जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का रास्ता जो है सिर्फ बातचीत के जरिए है, हमें बनाए दिए जाते हैं। हमें कहा जाता है कि आप कमजोर हो, आप देशद्रोही हो, आप एंटी नेशनल हो, लेकिन फिर बात साबित करता है जहां सही है। पिछले दिनों एक बार फिर खुफिया तौर ही सही, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्त के बातचीत के दौरान दोबारा हुए नए सिरे से बातचीत के लिए माहौल बनाने की बात कही, और तुम्हारा साबित हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से जो बात कही, पहले से जो रास्ता दिखाया, पहले से जो आवाम के अंदर बात
पास में गई तो हम मान नहीं सकते कि हमारी सियासत बेगुनाह सियासत नहीं है। हम वो मजबूरी नहीं है जो आज एक बात तो बहन और दूसरी बात और शाम को तीसरी बात करें और बदकिस्मती से हमारी कमजोरी जम्मू कश्मीर की कमजोरी बन जाती है। यह हकीकत है और इस हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता कि अगर पिछले 30-35 साल में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर नहीं किया गया होता 5 अगस्त 2019 मुमकिन नहीं होता। 5 अगस्त 2019 अगर मुमकिन हुआ तो ये हुआ कि यहां के लोगों की आवाज दिखाई यहां के लोगों के वोट दिखाए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सोची समझी साजिश के तहत कमजोर किया गया कि हमारी कमजोरी का नतीजा यहां की कामयाबी कामवाजा आप नजर नहीं आएगा। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी का नतीजा जो है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। न हमारी नौकरियां, न हमारे अफसर तरस आता है मुझे अपने जम्मू कश्मीर के अफसरों में जो नए अंदर जम्मू कश्मीर में सर्विस करते हैं आज उनका पूरा कोई बोलना नहीं बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के अफसरों को कहा है कि अगर हमारी मर्जी हुई हम आपको गोवा भेज देंगे, हम आपको मणिपुर भेज देंगे, हम आपको मिजोरम भेज देंगे, हम आपको कहीं जगह भेज देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। न मैं निकला, न हाई साहब निकले, न हमारे सीनियर साहब निकले आने के लिए। अगर उसके कहीं गलती हो तो मुझे उस गलती का एहसास दिलाने के लिए उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं अपनी जगह सोचता हूं कि जितना ज्यादा मेरे लिए आसान रहा है क्योंकि वाले साहब का सहारा रहा उतना ही मैं सोचता हूं कितना मुश्किल रहा होगा सकीना के लिए। निकल गए वही महावे साहब के पीछे नहीं पड़े ब्रीज देखे क्योंकि यशु साहब उस वक्त स्पीकर थे उस वक्त इनका इशारा ही काफी था। अगर यशु साहब ने उस वक्त कहा होगा कि हाथी फारूक साहब के साथ जो हुआ वो आईन के मुताबिक हुआ तो कोई रुख भी नहीं कर सकता कि पिछले साल किसी दिन हम सब खराब है। मैं किसी सरकारी गेस्ट हाउस का अकेले बंद, सकीना अपनी जगह बंद, सागर साहब और मजीद शायद एमएलए हॉस्पिटल में, मुस्तफा साहब अपनी जगह, हमारे यहां साथी किसी थाने में किसी और बंगले में मकसद यह था कि हमें हवा से दूर रखा जाए और हमारी गैर हाजिरी में कोशिश की जाए कि ये जवाब टूटे। जब तक कि हमारे वर्कर ने साबित किया कि हमारे वर्कर दाएं बाएं जाने वाले नहीं है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत इन लोगों के गले से उतरती है क्योंकि हम दोषा झूठ इन चीजों के सहारे से अपने आप को लोगों के दरमियान जिंदा नहीं रखते। वही महाजु साहब अकेले नहीं थे शहादत के लिए हम हमारे गांव के नशे कदम में नया कश्मीर यहां कायम करना चाहते थे। हम चाहते थे और आप भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आवाम के साथ इतिहास के दौर में जो वादे किए गए और जिन वादों को एक अमली जामा आईनी तौर पहनाया गया उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए यही हमारी बात। लेकिन बदकिस्मती से हमारी बात भी लोगों को पसंद नहीं। आप देशद्रोही हो
आप एंटी नेशनल हो, लेकिन सिर्फ आप साबित कर रहा है जा सही है। पिछले दिनों एक बार फिर खुल गया तो ही सही, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्त के बातचीत के दौरान दुबारा हुए बातचीत के लिए माहौल बनाने की बात कही और तुम्हारा साबित हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से जो बात कही, पहले से जो रास्ता दिखाया, पहले से जो आवाम के अंदर बात रखी वो बात सही। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी सियासत बेहतरीन सियासत नहीं है, हम वो बेहतरीन नहीं है जो आज एक बात तो बहन दूसरी बात और शाम को तीसरी बात करे और बदकिस्मती से हमारी कमजोरी जम्मू कश्मीर की कमजोरी बन जाती है। यह हकीकत है और इस हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता कि अगर पिछले 30-35 साल में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर नहीं किया गया होता 5 अगस्त 2019 मुमकिन नहीं होता। 5 अगस्त 2019 अगर मुमकिन हुआ तो ये हुआ कि फिर यहां के लोगों की आवाज उठाई, यहां के लोगों के वोट दिखाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सोची समझी साजिश के तहत कमजोर किया गया कि हमारी कमजोर का नतीजा यहां तैयारी कारोबारेगा, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी का नतीजा जो है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। न हमारी नौकरिया, न हमारे अफसर, तरस आता है मुझे अपने जम्मू कश्मीर के अफसरों पर जो बेचारे अंदर जम्मू कश्मीर नहीं सर्विस कर रहे हैं, आज उनका पूरा पोर्टफोलियो भी बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के अफसरों को कहा है कि अगर हमारी मर्जी हुई हम आपको गोवा भेज देंगे, हम आपको मणिपुर भेज देंगे, हम आपको मिजोरम भेज देंगे, हम आपको कहीं जगह भेज देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। न मैं निकला, हम साथ निकले, हमारे सीनियर साथ निकले। सही मायने में ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट डेवलपमेंट मिले, डेवलपमेंट तो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं। शायद अगर इन DDCs को सही मायने में एम्पावर किया जाएगा तो ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट का दौर जो है दोबारा शुरू होते हुए देख पाएंगे। उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी गालियां दी जाती है, आज हमारे प्रॉफिट पे गालियां दी जाती है, आज ये कहा जाता है कि मैं मानता हूँ आप क्या कह रहे हो, लेकिन जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया जी उनमें कहीं पे भी आईन आपको इन चीजों की इजाजत नहीं देती। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो आईन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मैं मानता अगर ये सारा कुछ जो हो रहा है आईन के तहत हो रहा होता तो मैं कहता ना आपका आईन बिल्कुल सही गलत है और इस आईन को मानना नहीं जाना चाहिए। जो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो सब चीज़ें गैर कानूनी हैं और हम चाहते हैं कि कानून का जो है इस्तेमाल करके इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो लोग जो कुरान शरीफ के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं वो भी हमारे दरमियान में सही, वो गैर मुसलमान नहीं था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे कुरान शरीफ के खिलाफ मुकदमा किया, वो शिया इसका बोर्ड का चेयरमैन रहा है। तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने अंदर देख के पहले अपनी गलतियों का हमें एहसास होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये किसी एक फर्द का नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप एक आदमी का नाम ले रहे हो, वो एक आदमी भी इन 130 करोड़ लोगों के ही की नुमाइंदगी करेगा और इन 130 करोड़ लोगों के कहने के मुताबिक ही चल सकेगा। तो हमें इस बात पर नहीं रहना चाहिए कि किसका हिंदुस्तान है या किसका नहीं है, ये हिंदुस्तान उन 130 करोड़ फर्दों का है और हमें उसको मान के चलना चाहिए। उमर साहब, लद्दाख क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? लद्दाख क्राइसिस में अभी ये बोला जा रहा है कि कैंसिलेशन ऑफ डोमिसाइल और हमें
पीआरसी दे दी, स्टेट सब्जेक्ट, और दूसरा ये कि हमने हमेशा लद्दाख के लोगों को कहा था कि आपका भला और आपकी बेहतरी जम्मू कश्मीर के साथ है, उन्होंने माना नहीं। हम उनको हमेशा कहते आ रहे थे कि देखिए जब आप जम्मू कश्मीर से अलग हो जाओगे बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बदकिस्मती से हमारी ये बात अब सही साबित हो रही है। चलिए शुक्रिया।